baby has been able to latch, but I've not been able to produce any milk. They are in a polyamorous relationship, and they all parent Hazel and Sparrow. And for their oldest child, Hazel, that's neither male nor female. Please tell us how and why you decided to come out as non-binary. Because the pronouns she and he did not fit. Non-binary was what I turned to. And 2.5-year-old Sparrow has yet to make a choice about their gender. Gender is a personal identity. जो Gen Z generation जिसे कहा जाता है ना, वो लोग 40% नए बच्चे नई generation के अपने आप को LGBTQ agenda से community से बता रहे हैं. He didn't know he was pregnant. We realized that he was actually pregnant because he gave birth. You know, we take hormones. Never in a million years I would ever imagine I would get pregnant. We both swap genders and are planning to have a baby together. My mother is about to arrive. Whose 15-year-old daughter was raped. She was raped in a bathroom by a boy wearing girls' clothes. And the Loudoun County School Board covered it up because it would have interfered with their transgendered policy during Pride Month. Thank God you are not on the Supreme Court. You should resign in disgrace, Judd. I have 2 giant scars across my chest that remind me every day that I was butchered. I wish I could have my breasts back. And no matter what, I will never be able to breastfeed my future children. Those organs are gone forever. Injecting myself with cross-sex hormones actually was harming and damaging my perfectly healthy body. भाई जीवन में जो करना है करो यार, पर इस प्रकार के पब्लिक शो में लाकर अपने ही पेरेंट्स को ह्यूमिलिएट करना, 10 साल की उसको न्यूयॉर्क फैशन शो में रैंप वॉक करवाया गया कि भाई ये ट्रांस है, ट्रांसजेंडर है ये, और वो बता रही है लोगों को कि कैसे ये सही है, पेरेंट्स को किस प्रकार से अपने बच्चों को जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग देनी चाहिए. ओम नारायण 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 नारायण. सब मित्रों को राम राम. दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लेकर और जो LGBTQ कम्युनिटी है उन्हें अडॉप्शन का अधिकार मिले इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है. आज 25 अप्रैल को दोपहर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभी भी ये हियरिंग चल रही है. देखिए इस विषय पर मैंने ऑलरेडी कई सारे अलग अलग वीडियोज़ में विस्तार से चर्चा की हुई है, पर्टिकुलरली इस विषय पर भी. यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वक्तव्य आया था कि भाई जेंडर तो मन की कल्पना है, हमारे जेनिटल्स, हमारे गुप्तांग क्या है, हम बायोलॉजिकली शारीरिक रूप से कौन है, स्त्री है या पुरुष है, ये कोई बात मायने नहीं रखती है, जेंडर तो बस मन की कल्पना है, ऐसा उनका जो वक्तव्य आया था उस पर हमने काफ़ी विस्तार से इस वीडियो में चर्चा की हुई है. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि इस वीडियो को आप अवश्य अवश्य देखना. आज अभी कुछ 6-7 वीडियोज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मतलब साथ में ही हम देखेंगे. ये वीडियोस पिछले 3-4 दिनों में ही मेरे सामने आए और सच कहता हूँ उन सारे वीडियोस ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया. वो हृदय कांप जाना कहते हैं ना, उससे भी भयानक ऐसी फीलिंग थी इन सारे वीडियोस को देखना. और मुझे लगा कि ये बातें सब तक पहुँचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि ये हमारी आने वाली जनरेशन्स का, हमारे बच्चों का प्रश्न है. कई सारे लोगों को अभी भी इसके आगे जाकर क्या परिणाम हो सकते हैं इसके बारे में वे सोच नहीं रहे या कल्पना नहीं है शायद, या वे इससे बिल्कुल ही अवगत नहीं है. क्योंकि ये बात कोई, कई लोगों को ऐसा लगता हो कि भाई ये भारत में थोड़ी ना इतना कुछ बड़ी ये बात है, इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है भारत में ये. पर देखिए ये आज जो सेम सेक्स मैरिज हो या अडॉप्शन का अधिकार हो इसको लेकर जो हियरिंग चल रही है, मान लीजिए इसको सम्मति मिल जाती है, तो याद रखिए भारत में पूरा एक इकोसिस्टम बैठा हुआ है इन बातों को प्रमोट करने के लिए. और बॉलीवुड तो ऑलरेडी कई सारी फिल्में बना चुका है और साथ में ही छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देना चाहिए. इसको प्रमोट करने वाली भी कई सारी फिल्में बॉलीवुड ने बनाई हुई है, अभी भी बना रहा है. और सो कॉल्ड राष्ट्रवादी एक्टर्स उनको साथ में लेकर ये फिल्में बनाई जा रही है. वो राष्ट्रवादी एक्टर्स बोल रहे हैं इंटरव्यूज़ में कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय, बहुत आवश्यक विषय है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए. और ये जो सेक्स एजुकेशन है इसमें LGBTQ एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है. बाकी है ही क्या सेक्स एजुकेशन में, मुझे आप बताइए. कोई ब्रह्मचर्य की, वीर रक्षा की शिक्षा तो वे देने नहीं वाले, संयम की शिक्षा तो वे देने नहीं वाले. यही जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा.
यही सब बातें सेक्सुअल लिबरेशन, ये बातें उनके दिमाग में सेक्स एजुकेशन के अंतर्गत डाली जाने वाली है। तो इन सब बातों, हम भले ही किसी को लगता हो कि भाई कहाँ है इतनी बड़ी कोई समस्या, पर जब बच्चों को बचपन से ही उनके दिमाग में ये बातें डाल दी जाएंगी तो आगे जाकर इसके कैसे परिणाम हो सकते हैं इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको वो वीडियोस दिखाऊंगा, वो देखकर आप सच में अंदर से कांप जाएंगे, हिला कर रख देते हैं वो वीडियोस हमें अंदर से। और आज अमेरिका में कुछ रिपोर्ट्स अगर आप बस सर्च करेंगे गूगल पर तो 40% बच्चे 40% बच्चे अपने आप को LGBTQ एजेंडा LGBTQ कम्युनिटी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, जो जेन जी जनरेशन जिसे कहा जाता है ना, वो लोग 40% नए बच्चे नई जनरेशन के अपने आप को LGBTQ एजेंडा से कम्युनिटी से बता रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, अगर आप बच्चों को बचपन से संयम की, सदाचार की, चरित्रवान होने की शिक्षा नहीं देंगे और उन्हें ये शिक्षा देंगे बचपन से कि भाई सेक्सुअल लिबरेशन तो तुम्हारा अधिकार है, मन में अगर किसी के प्रति अट्रैक्शन आ रहा है, इसके प्रति भी आ रहा है, उसके भी प्रति आ रहा है, स्त्री के भी प्रति आ रहा है, पुरुष के भी प्रति आ रहा है, ट्रांसजेंडर के भी प्रति आ रहा है, मैं तो ओमनीसेक्सुअल हूँ, मैं तो पैनसेक्सुअल हूँ, मैं तो बायसेक्सुअल हूँ, अगर आप अपनी मन की कल्पनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो तो भागते ही जाएंगे। और बच्चों को अगर बचपन से ये बातें उनके सामने जस्टिफाई कर दी जाए, केवल जस्टिफाई नहीं तो उनको उनके सामने इसको पूरा एक इतना ग्लैमराइज कर दिया जाए, ग्लोरीफाई कर दिया जाए इन बातों को, तो स्वाभाविक से बच्चों को तो लगेगा कि भाई मुझे फिर ये आज़ादी क्यों नहीं मिल रही है, मैं भी लेस्बियन हूँ, मैं भी बायसेक्सुअल हूँ, मैं भी पैनसेक्सुअल हूँ, मैं भी ओमनीसेक्सुअल हूँ, मुझे भी आज़ादी चाहिए, जिसके साथ चाहिए उसके साथ सोने की। तो स्वाभाविक सी बातें आने वाली जनरेशंस अपने आप को बताएंगी, भाई ये रूढ़ीवादी पेरेंट्स, ये रूढ़ीवादी समाज कौन होता है हमें जज करने वाला, समय नहीं लगता है, आने वाले 5-7 वर्षों में ही बहुत बड़ा बदलाव हम देखेंगे। और इसके परिणाम आज अमेरिका में क्या हो रहे हैं आप देखिए, मैं चलिए वीडियो देखते हैं, 5-6 वीडियोस हैं, वीडियो प्लीज़ अंत तक पूरा अवश्य देखना। और प्रार्थना करता हूँ मैं आप सभी मित्रों से कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। चलिए पहला वीडियो। You know, early on, we had a little hiccup with not wanting to assign a gender or sex to the baby. Your mom is having a really difficult time with, like, not assigning a gender or sex to the baby. Having a baby. I am very unprepared to give birth by myself. Something's coming. Something's coming. Baby has been able to latch, but I've not been able to produce any milk. It's okay. Because we're going to supplement the feeding with formula so that my baby's still getting the nutrients that they need. I appreciate you so much for all your work. I appreciate you also, baby. I couldn't have done it without you. She's just still asking if it's a boy or a girl, and it's really frustrating. My mom wants to be so involved, but she doesn't really understand, like, why we don't want to assign a gender or a sex to our baby. In Washington, D.C., if you don't check, like, the M or the F box on that birth certificate application, it becomes incredibly difficult to receive a birth certificate. We'll be getting the certificate of live birth. We're unable to even start an application because not only are we not assigning a sex to the baby, DC is forcing me to label myself as the mother, and that's not the case. Paterna is the mother. This whole birth certificate thing is really causing me a lot of hurt. Trans women can be mothers. We are mothers. I'm your mother. दोस्तों, परसों जब मैंने ये वीडियो देखा, सच में मैं वो फीलिंग्स बता नहीं सकता। आपने जो अभी ये कपल देखा, उसमें जिसने बच्चे को जन्म दिया वो माँ, यानी वो स्त्री का शरीर है, पर वो अपने आप को पिता कह रही है।
और जिसका पुरुष का शरीर है बायोलॉजिकली, वो अपने आप को माँ कह रही है। और इस वीडियो के एंडिंग में आपने सुना ना, ट्रांस वुमेन आर वुमेन, हम भी माँ हैं, हम माँ बन सकते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति ये कह रहा है वीडियो के एंडिंग में, वो बायोलॉजिकली शारीरिक रूप से पुरुष है, पर वो अपने आप को माँ कह रहा है। और वो व्यक्ति जो शारीरिक रूप से पुरुष है, वो उस बच्चे को अपने छाती से लगाकर दूध पिलाने का प्रयास कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है, वो एक पुरुष है, उसकी छाती से दूध नहीं आने वाला। वो ये बात कहता भी कि मैं अभी मेरी ब्रेस्टफीड नहीं कर सकता हूँ, मिल्क दूध नहीं आ रहा है छाती से। स्वाभाविक सी बात है, आएगा ही नहीं, पुरुष का शरीर है। पर फिर भी उस छोटे से बच्चे को वो अपने छाती से लगाकर, क्या ये बच्चों का अब्यूज़ नहीं है, छोटे बच्चों का? और जो जिसने जन्म दिया, जो बायोलॉजिकली शारीरिक रूप से स्त्री है, वो अपने आप को पुरुष कह रही है, पिता कह रही है। और जो भी जेंडर अफर्मेशन सर्जरी है, सेक्स चेंज ऑपरेशन है, वो उसने किया हुआ है, हमें दिख रहा है, क्योंकि उसके ब्रिस्ट्स को, उसके स्तनों को काटा हुआ है, पर शरीर तो स्त्री का ही है, बच्चे को उसने जन्म दिया, पर फिर भी वो अपने आप को पिता कह रहे हैं। और जो जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया, उस बच्चे को वे जेंडर असाइन नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि नहीं, हम अपने बच्चे को इस कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहते, उसको अभी जेंडर हम असाइन नहीं करेंगे। और जो बर्थ सर्टिफिकेट उन्हें लेना है, जिस स्टेट में वे रह रहे हैं, वहाँ का ये लॉ है कि आपको मेल या फीमेल किसी उसमें से किसी एक को चुनना होगा। और जो अथॉरिटीज़ है वहाँ की, बर्थ सर्टिफिकेट जो देंगे, वो जिसने शारीरिक रूप से बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम माँ के कॉलम में लिखना चाहते हैं रूल के अनुसार। पर जिसने जन्म दिया, जो शारीरिक रूप से स्त्री है, वो नहीं, वो अपने आप को पिता के कॉलम में अपना नाम लिखवाना चाहती, क्योंकि वो अपने आप को ट्रांसजेंडर कह रही है, ट्रांस मेल या जो भी कहते होंगे। और दूसरी तरफ जो शारीरिक रूप से पुरुष है, वो अपने आप को स्त्री मानकर माँ कह रहा है, और वो पुरुष अपनी छाती से उस बच्चे को लगाकर दूध पिलाने का प्रयास कर रहा है। बताइए उस बच्चे की क्या गलती है? माँ का दूध भी उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो सेक्स चेंज ऑपरेशन है, जेंडर अफर्मेशन सर्जरी, स्तनों को काट दिया गया है, माँ का दूध भी उसे नहीं मिल पाएगा। उस बच्चे की क्या गलती है? और ये कोई एक पर्टिकुलर केस में आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आपको लगता हो तो प्लीज़ ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसे कई सारे रियलिटी शोज अमेरिका में चल रहे हैं, ये उसी में से एक रियलिटी शो का एक फुटेज मैंने आपको दिखाई है। और उनके नाम अगर मैं आपको बताऊँ तो एक माय एक्स्ट्रॉर्डनरी फैमिली करके शो है ट्रूली चैनल पर यूट्यूब के, वहाँ पर ऐसे सैकड़ों वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से एक लव डोंट जज करके एक उनकी अलग से एक शो की सीरीज है। इसी प्रकार से 9 मंथ्स विथ कर्टनी कॉक्स करके एक रियलिटी शो है, उसके तो 3 सीजन आ चुके हैं, और ऐसे 500 अलग अलग कपल्स उसमें दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से एक डॉक्टर फील करके शो आता है, चलिए एक और इसी प्रकार का वीडियो साथ में देखते हैं। This is Ari, Gwendolyn, and Brinifer. They are in a polyamorous relationship. And they all parent Hazel and Sparrow. We have a 2-year-old anti-gender baby and a 10-year-old who is non-binary. They have chosen not to disclose Sparrow's gender. We don't know it yet. It's something that Sparrow's going to have to figure out and then tell us. But their parenting approach is controversial. These polyamorous parents let their children choose their gender. And for their oldest child, Hazel, that's neither male nor female. Please tell us how and why you decided to come out as non-binary. Because the pronouns she and he did not fit. Non-binary was what I turned to. And 2.5-year-old Sparrow has yet to make a choice about their gender. Sparrow, do you want a banana? Yeah. They're anti-gender, but we're using they-them pronouns. Sure, they have anatomy, we understand it, but like that's not indicative of their identity. It's something that Sparrow's gonna have to figure out and then tell us before we can panel anyone else. Particularly because it's, you know, something that our parents didn't, and they got it wrong. A lot of people, they say, how will your children know what a boy or a girl are if you don't teach them? Or how will they know how to act?
there's a lot of assumption that we're raising them without a gender and we're not giving them any information as to what gender is, when that's just not the case. Gender is a personal identity. Basically, almost everyone on this planet are assigned a gender when we're young. For those of us who are transgender, that assignment, it was too radically different from what we felt we needed to express ourselves. And that definitely has influenced my views and opinions about gender. ये जो कपल आपने देखा पॉलियमरस रिलेशनशिप में है वे ऐसा बता रहे हैं, मतलब तीन लोग साथ में अपनी सम्मति से रह रहे हैं कपल बनकर, ट्रिपल बनकर जो भी उसको कहते होंगे, उसमें दो पुरुष हैं जो अपने आप को स्त्री के रूप में उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, ट्रांस वुमन उन्होंने अपने आप को बनाया हुआ है दो पुरुषों ने, और जो स्त्री है बायोलॉजिकली शारीरिक रूप से वो पिता की भूमिका में है, पिता बनकर वो ट्रांसजेंडर अपने आप को बता रही है, और उनके दो बच्चे हैं। अब उन्होंने वो अडॉप्ट किए हुए हैं क्या, ये तो उन्होंने नहीं बताया, उनके दो बच्चे हैं, उसमें से छोटे बच्चे ने अभी तक अपना जेंडर चूज़ नहीं किया है, जो केवल 2 साल का है, ये वो बता रहे हैं कि भाई हमने उसको छूट दिए कि वो अपना जेंडर खुद चूज़ करेगा आगे जाकर। और जो बड़ी बेटी है जो 10 वर्ष की है करीब, वो अपने आप को नॉन बाइनरी कह रही है कि मैं मेल भी नहीं हूँ फीमेल भी नहीं हूँ, नॉन बाइनरी हूँ, और प्रोनाउंस भी उसने अपने आप को अलग चूज कर लिए हैं। और वही सब बातें, जेंडर असाइन कर दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा, हम उसके साथ में सुटेबल, ये सही नहीं है, बच्चों को छूट दे देनी चाहिए कि वो अपने जेंडर को खुद चूज करे, हम जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग उनको दे रहे हैं, उन्हें जेंडर ही असाइन नहीं किया छोटे छोटे बच्चों को। इसी प्रकार का एक और वीडियो देखिए। This is 27-year-old Nino. He fell in love with 22-year-old Jocelyn. I'm transgender. And I am also transgender. Nino didn't know he was pregnant until giving birth to their son Julian. He didn't know he was pregnant. We realized that he was actually pregnant because he gave birth. I realized I was trans when I was around 18. Before that, I was just, you know, a lesbian in guys' clothes. I always knew I was different. I always told myself, yo, yeah, the Adam's apple is gonna come in. Your face is gonna get a little more chiseled. You know, I was always expecting it to happen. I live like a man. My girlfriend lives like a woman. You know, we take hormones. Never in a million years I would ever imagine I would get pregnant. I realized I was trans when I was young. I used to literally wear like my mom's clothes, her lipsticks and stuff like that. I would have never thought that growing up I would be like able to be a woman or become a woman how I've always felt. Being on hormones, you never know if like you could reproduce or anything. I wish that I was the one that could be pregnant because when we spoke about it, he told me basically like he would not want to be pregnant and that if he was to get pregnant that he would like be insecure to go outside because he identifies as male. I feel like it was best that we didn't know because he went on with his normal life and stuff. The couple are now worried their son will be judged because of his parents. I think we're both worried that our kid is gonna be judged for being different. Like every time I go to the women's ward in the hospital, they do aftercare. They always look at me like, why the hell is he here? I'm the only guy there, I feel so awkward. Yeah, and I'm also like scared of like when he gets ready to go to school, of like he gets bullied. यहाँ पर भी बिल्कुल पहले ही वीडियो की तरह जो बायोलॉजिकली शारीरिक रूप से स्त्री है वो अपने आप को पुरुष बता रही है, पिता बता रही है, पर जन्म उसी ने दिया बच्चे को, और उसने ये भी कहा कि मुझे तो बच्चे को जन्म देने के दिन तक भी पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये वो कह रहे हैं, और वो अपने आप को पुरुष बताती है, और पुरुष के जैसे ही कपड़े वगैरह जो हार्मोन चेंज के जो भी ये सब इंजेक्शंस या ड्रग्स जो भी उन्होंने लिए होंगे, तो अंत में उसने कहा कि मैं वुमेंस वार्ड में जब जाती हूँ अस्पताल में, हॉस्पिटल में जाने के बाद में, तो वहाँ पर सब महिलाएं उनकी तरफ देखती है तो वो शारीरिक रूप से स्त्री ही, पर पुरुष की तरह अब वो उसने पूरे हार्मोन चेंज के जो भी है ड्रग्स वगैरह लेकर शरीर बना दिया है, तो वो वुमेंस वार्ड में जाने के बाद में सब कैसे उनकी तरफ देखते हैं ऐसा वो बता रहे हैं। अपने आप को पिता कह रहे पर बच्चे को जन्म उसी ने दिया है। दूसरी तरफ जो बायोलॉजिकली पुरुष है वो माँ की भूमिका में है, अपने आप को ट्रांसजेंडर बता रही है, और जैसे कि मैंने कहा ये कोई एक्सेप्शंस नहीं है,
ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों हजारों कपल्स अमेरिका में आज है, और इसी कारण से ऐसे कई सारे रियलिटी शोज चल रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ऐसे लोगों को स्टेज देकर सामने बिठाकर इंटरव्यू वो उनको लेने के लिए बुला रहे हैं। चलिए एक और वीडियो में आपको दिखाता हूँ। We both swap genders and are planning to have a baby together. My mother is about to arrive. This should be exciting. So with you actually carrying, literally biologically carrying a child, the body is telling me that, you know, my body is female, but, you know, here and here, I'm male. Oh my gosh. I knew I was trans when I was probably around like 13. For a while, I didn't really feel comfortable as being trans because it already felt like there was just a lot of hate towards like gay and bi. And so I'm just like, they got a problem with them. What are they about to say about me? I don't feel like I'm a guy or a woman. I feel like I can be whatever the hell I want to be. Robert and I have been together for approximately 8 months. We met each other first on the dating app. I went to this summer camp that they had for LGBTQ children. So then once I heard this like trans speaker talking about their transition and how they felt, I was like, you know what, this is kind of how I feel. यहाँ पर भी जो कपल है उन्होंने अपना जेंडर स्वैप कर लिया है, मतलब जो शारीरिक रूप से पुरुष है वो स्त्री माँ बन स्त्त्री बन गया है, जो शारीरिक रूप से स्त्री है वो पुरुष बन गया है, और वो अभी एक बच्चा चाहते हैं, उसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं। सोचिए उन बच्चों के साथ में जो अगली जनरेशन की आएंगे, सच में दिल से अंदर से, चलिए इसके परिणाम कितने भयावह है आप देखिए, ये वीडियो देखिए। Whose 15-year-old daughter was raped. She was raped in a bathroom by a boy wearing girls' clothes, and the Loudoun County School Board covered it up because it would have interfered with their transgendered policy during Pride Month. And that man, Scott Smith, because he went to a school board and tried to defend his daughter's rights, was condemned internationally. Do you apologize to Scott Smith and his 15-year-old daughter, Judge? Senator, anyone whose child was raped is the most horrific crime I can imagine and is certainly entitled and protected by the First Amendment to protest to their school board about that. But he was cited by the School Board Association fine, as a domestic terrorist, which we now know that letter and those reports were the basis for your judgment. No, Senator, this is wrong. Judge, this is shameful. This here, this testimony, your directive, your performance is shameful. That's not correct. Thank God you are not on the Supreme Court. You should resign in disgrace, Judge. एक 15 साल की बच्ची का बाथरूम में, स्कूल के बाथरूम में रेप होता है, रेप करने वाला अपने आप को ट्रांस गर्ल बता रहा है, शारीरिक रूप से वो लड़का है, बॉय है, और वो अपने आप को ट्रांस गर्ल बताकर लड़कियों के बाथरूम में जाता है, वहाँ पर एक लड़की का 15 साल की बच्ची का वो रेप करता है, और स्कूल मैनेजमेंट उस घटना को दबा देता है। क्यों दबा देता है? क्योंकि वो प्राइड मंथ चल रहा था, LGBTQ एजेंडा वालों का पूरी दुनिया में एक प्राइड मंथ होता है, जब वे दुनिया भर में ये प्राइड मार्च वगैरह निकालते हैं, भारत में भी जितनी भी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर ये प्राइड मार्च निकालते हैं, हजारों हजारों नई जनरेशन के बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं। उस घटना को दबा दिया गया, उस पिता को इंटरनेशनली उस पर ही उल्टा अटैक किया गया, और जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है उन्होंने जज को जिस प्रकार से सुनाया कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपको अभी के अभी रिजाइन कर देना चाहिए। इसके बाद दो और वीडियोस हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखना सुनना इन्हें। I have two giant scars across my chest that remind me every day that I was butchered by the institutions that we all thought we could trust. I went to my surgeon because I was desperate for answers and he just told me, it's fine, that's completely normal, just put Vaseline over it, which didn't make sense to me. But I thought that because nothing else was working, I might as well try it. That gave me a skin infection. It hasn't healed at all, and the wound, whatever it is actually spreading across my chest. I have no clue what's going on. I have nowhere to turn because I no longer have any trust in Kaiser Permanente, and I can't afford treatment out of pocket. I wish I could have my breast back, but a reconstruction may be riddled with even more complications, and no matter what, I will never be able to breastfeed my future children. Those organs are gone forever.
वीडियो में जो लड़की है वो बता रही कि किस प्रकार से उसके स्तनों को काटा गया, बुचर्ड शब्द उसने यूज किया है, कसाई की तरह काटा गया उसके स्तनों को, और अभी उसके छाती पर घाव है दो बड़े बड़े जो ठीक नहीं हो रहे हैं। सर्जन के पास गई तो वो कह रहा है कि वैसलीन लगा लो उसके ऊपर, नॉर्मल है ये, कुछ नहीं होगा, अभी भी वो हील नहीं हो रहे, ठीक नहीं हो रहे। और वो कह रहे कि जो अभी हो गया उसको दोबारा से बदला नहीं जा सकता, मैं अपने भविष्य में कभी भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाऊंगी। शुरुआत में भी मैंने आपको जो दो तीन वीडियोस दिखाए वहां पर भी सेम यही कंडीशन है ना, जो अपने आप को जो शारीरिक रूप से स्त्री है पर ये जो जेंडर अफर्मेशन सर्जरी वगैरह करके अपने स्तनों को काट लिया है और वह बच्चे को अपने दूध नहीं पिला सकते, और वैसे भी वो अपने आप को पिता कह रहे हैं जो शारीरिक रूप से स्त्री है, और जो पुरुष है शारीरिक रूप से जिसकी छाती से दूध भी नहीं आ रहा वो उन बच्चों को लेकर अपनी छाती से लगा रहे हैं। इससे भयानक किसी बच्चे के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक और वीडियो है, देखिए। Three things I wish I knew before I transitioned to male. One, that injecting myself with cross-sex hormones actually was harming and damaging my perfectly healthy body. Two, that changing my identity and changing my body wasn't actually going to heal the pain I had within myself. It was just an escape that created actually more trauma for me. Three, that it was okay to be a tomboy and not fit into society's beauty standards of what a woman was supposed to be like. That I was perfect the way I was and I didn't need to change myself. ये एक और लड़की है, स्त्री है, जिन्होंने इसी प्रकार का सेक्स चेंज ऑपरेशन करके अपने स्तनों को काट लिया, जो भी और उस जेंडर अफर्मेशन सर्जरी में होता होगा। वो उन्होंने कहा कि तीन बातें हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हार्मोन चेंज के जो ड्रग्स होते हैं उन्होंने मेरे शरीर का, मेरी हेल्दी बॉडी का, जो मैं बिल्कुल स्वस्थ जो मेरा शरीर था उसका केवल और केवल नुकसान ही किया है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो दुख है वो कोई बाहर से शरीर चेंज करके वो दुख दूर नहीं हुआ। और स्वाभाविक से बताएं, मैं पिछली बार भी इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी कि बाहर से शरीर बदल कर दुख मिट जाएगा, इससे बड़ी मूर्खता ही दूसरी कोई और हो नहीं सकती। और तीसरा वे बता रही कि जो एक वेस्टर्न टर्म है टॉम बॉय करके, वो भी आप विचित्र से टर्म्स निकाल के रखें, मतलब कोई लड़की है वो अगर लड़कों के कपड़े पहनती है तो उसको भी एक अलग से टर्म दे दिया। भाई ठीक है, मतलब पहन लिए लड़कों के कपड़े तो उसको अलग से कोई टर्म देने की क्या आवश्यकता है, पर ये जो टॉम बॉय होना बिल्कुल एक नॉर्मल है, आप लड़के पहन रहे हैं जो कि वो बात सही कह रहे हैं, जो भले ही उन्होंने अलग टर्म दे दिया वो एक अलग बात है, पर ठीक है कपड़े पहन लिए लड़कों के तो क्या। पर इस प्रकार से ये जेंडर अफर्मेशन सर्जरी, हार्मोन चेंज के ड्रग्स लेना, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स, इतनी भयानक सेक्स चेंज के ऑपरेशंस, ये केवल और केवल नुकसान करते हैं। दोस्तों अंत में एक और वीडियो है, ये वीडियो में आपके साथ में नहीं देख सकता, ये आप खुद ही देखिए। Now, woke activists are going to look at this father clearly having a hard time looking at his son dressed as a woman and say, how could he be so cruel and not accept his son? This is actually a father, if you ask me, that genuinely loves his son and wants what is best for him. And when you see your child going through clearly some sort of mental health crisis, having this emotional response, that's the normal thing to do. It's not actually the normal thing to do, despite what so many of these wine moms believe now, to jump on board the bandwagon and start saying like, yay, let me take my toddler to get shot up with hormones and surgeries. No, that's actually not the normal thing. We should be concerned when our children, when our friends, when the people around us say, by the way, I think I'm a gender that I'm not, because that is not a healthy thing. And I hope that this father and the son still have a relationship going forward and that the son realizes that this dad actually wants what's best for him. And you know what? Being genuinely good at the people we love oftentimes is not just telling them whatever they want to hear. दोस्तों इस वीडियो में जो पिता है वो फूट फूट कर रो रहे हैं। डॉक्टर फील करके शो है, वहाँ पर एक लड़का है स्वस्थ शरीर, पर वो अपने आप को अभी लड़की कह रहा है, ट्रांस गर्ल, ट्रांस वूमन जो भी है वो कह रहा है, और जो जेंडर अफर्मेशन सर्जरी वगैरह जो भी है वो करके वो अपने पिता के सामने बैठा है। और उस रियलिटी शो में पिता को पब्लिक के सामने बिठाया, पिता रो रहे हैं अपने बेटे की तरफ देखकर। भाई जीवन में जो करना है करो यार, पर
इस प्रकार के पब्लिक शो में लाकर अपने ही पेरेंट्स को ह्यूमिलिएट करना, छोटे छोटे बच्चों के साथ में क्या हो रहा है। दुख होता है कि भारत में इन बातों को मेन स्ट्रीम में बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर प्रमोट किया जा रहा है। आयुष्मान खुराना की चंडीगढ़ करे आशिकी, इसी उसमें तो पूरा एनिमेशन में सेक्स चेंज ऑपरेशन को दिखाया है, प्रमोट किया है, ग्लोरीफाई किया है, रोमेंटिसाइज किया है। सुपर डिलक्स जैसी फिल्म विजय सेतुपति का वो सब प्लॉट याद करिए, पावागढ़ ईगल, वही सेक्स चेंज ऑपरेशन। और भी दूसरी बहुत सारी फिल्में हैं हाल ही के समय में आई हुई, पर ये बातें पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो एक्सपोज्ड है ऑलरेडी इन सब बातों से। वो ये फिल्में भी देख रहे हैं, कंटेंट भी देख रहे हैं, ऑनलाइन वेब सीरीज़ भी देख रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि भारत में भी स्कूलों में ऐसे सेमिनार्स वगैरह लेकर या अलग से एक सिलेबस में ही सेक्स एजुकेशन, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी एक्टर्स ही प्रमोट कर रहे हैं, उसमें ये सब बातें बच्चों के दिमाग में डाल दी जाए। नेटफ्लिक्स का रिडली जोन्स जैसा प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए बनाया गया शो, उसमें भी एक कैरेक्टर डालकर वो उससे बुलवाया जाता है कि मैं नॉन बाइनरी हूँ, मेरा कोई जेंडर ही नहीं है। ये बातें प्ले ग्रुप के बच्चों के दिमाग में डाली जा रही है। डिज्ने का लाइट ईयर जैसा, उसमें भी यही सेक्सुअल लिबरेशन, लेस्बियन कपल, और ये उसके बाद स्ट्रेंज वर्ल्ड, यही LGBTQ एजेंडा। अभी आने वाली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, उसमें भी ट्रांस, प्रोटेक्ट ट्रांस किड्स फ्लैग पर लिखा हुआ है, LGBTQ एजेंडा वालों का जो फ्लैग होता है। ट्रांस किड्स जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि बच्चों को अधिकार नहीं होता, नहीं होना चाहिए अपने जेंडर को चेंज करने का। तो जब वो उन्हें अधिकार ही नहीं होना चाहिए, हालांकि हो रहा है अमेरिका में, 15-16 साल के बच्चों के साथ में ये हो रहा है। 15-16 साल के बच्चे छोड़ दीजिए, 10 साल की एक बच्चा, वो बच्चा है या बच्ची है मैं नहीं जानता, पर 10 साल की, उसको न्यूयॉर्क फैशन शो में रैंप वॉक करवाया गया कि भाई ये ट्रांस है, ट्रांसजेंडर है ये, और वो बता रही है लोगों को कि कैसे ये सही है, पेरेंट्स को किस प्रकार से अपने बच्चों को जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग देनी चाहिए। भारत के मीडिया, भारत के बड़े बड़े मीडिया हाउस ने इस पर आर्टिकल्स लिखे हैं। 10 साल की बच्ची, यहां पर मजा मां जैसी फिल्में, राजकुमार राव हो, आयुष्मान खुराना हो, माधुरी दीक्षित हो, विजय सेतु, इनको लेकर ये पूरी इस एजेंडा को प्रमोट किया जा रहा है, सेक्सुअल लिबरेशन के, जेंडर आइडेंटिटी के। मैं बस इतना ही प्रार्थना करूंगा दोस्तों कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। बताइए अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को पहले से जागृत करिए, तैयार करिए उनके, उन्हें इस दुनिया का सामना करने के लिए, क्योंकि ये सब उन्हें भी फेस करना है, इससे भाग कर नहीं चलेगा। और मैं फिर से एक बार कहूँगा, देखिए सभी को सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। आप वयस्क हो गए, अडल्ट हो गए, आपको जो करना है अपने शरीर के साथ करिए, बच्चों को छोड़ दीजिए। और कम से कम देखिए अपने पर्सनल, आप रूम में, घर में, बेडरूम में किसके साथ सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनों के साथ सो रहे हैं, वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है। पर कम से कम विवाह की जो संस्था है उसको इससे अलग रखना चाहिए, अडॉप्शन को इससे अलग रखना चाहिए, कि बच्चों को ये सब फेस करना ना, बच्चों को छोड़ दो। विवाह और अडॉप्शन जिसको लेकर अभी हियरिंग चल रही है, उसका किसी भी परिस्थिति में मैं तो कम से कम अपने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से समर्थन नहीं कर सकता। जिसको करना है जो कर, सबका अपने अपने ओपिनियन है, अपना अपना मत है, मैंने अपना व्यक्तिगत मत यहाँ पर केवल बताया है। जय श्री राम, वंदे मातरम।